होशियार सिंह को आज गणतंत्र दिवस पर याद किया जाना बहुत जरूरी है। आपको उनके गांव सिसाना ले चलते हैं, जहां पर खुशी का माहौल है। खुशी इस बात की है कि मोदी सरकार शहीदों का सम्मान कर रही है। कर्नल होशियार सिंह ने 1971 के युद्ध में वीरता का परिचय देते हुए शरीर पर गोलियां लग जाने के बावजूद भी हार नहीं मानी और पाकिस्तान के सैनिकों को धूल चटा दी थी। अब उनके नाम पर अंडमान निकोबार में भी एक आइलैंड होगा, होशियार आइलैंड। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परमवीर चक्र विजेताओं को ये इज्जत, ये सम्मान दिया है, जिससे शहीद के परिवार वाले, शहीद के गांव वाले मोदी सरकार का आभार जता रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कर्नल होशियार सिंह के गांव सोनीपत के सिसाना की ग्राउंड रिपोर्ट। 1971 में देश की लड़ाई पाकिस्तान के सोनीपत जिले के गांव सिसाना के होशियार सिंह ने वो कर दिखाया जो सबके लिए मिसाल बना। आप ये तस्वीर यहां पर सोनीपत में देख सकते हैं कि परमवीर चक्र कर्नल होशियार सिंह का जन्म 5 मई 1936 को इसी गांव में हुआ। और खास बात यह है कि इन्होंने खास तौर से 15 दिसंबर 1971 को ग्रेनेडियर्स की एक बटालियन की अगुवाई करते हुए आगे बढ़े और पाकिस्तान युद्ध के दौरान काफी अच्छा परिचय दिया और इनकी वजह से ही यह जीत भी हासिल हुई। खास बात यह है कि कर्नल होशियार सिंह ने अच्छा किया तो अब उनके नाम पर एक टापू भी बना दिया गया, यानी के होशियार आइसलैंड नाम दिया गया है। उनके परिवार से एक व्यक्ति है, बात कर लेते हैं। जी, ये हम सब के लिए बहुत ही खुशी का विषय है। पूरा देश इसको बड़े गर्व से मना रहा है। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री ने भारत के 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक एक द्वीप उनके नाम से रखा है और उसी जन्मभूमि पे हम भी जन्मे, जिसमें परमवीर चक्र विजेता कर्नल होशियार सिंह जैसे योद्धा ने जन्म लिया। आज इनके नाम से एक द्वीप जाना जाएगा, ये हम सब गांव वासियों के लिए, सभी देशवासियों के लिए बहुत ही खुशी का विषय। देखो, कर्नल होशियार सिंह के गोड्डे में भी गोली लग रही थी, ये भी उनने तोप चलाई, ये मोर्चा बहुत दिमाग से जीत गया उनने। आज मोदी जी ने जो उनका स्वागत कराया है, हम मोदी जी को बधाई देना चाहते हैं। इन जी जिंदा मिले है, बहादुरी ऐसी करी, ये खाई में मट पड़ गया था, गोली लग गई थी, ये 3 दिन में पाया था जी, जब इनने परमवीर चक्र दिया था। कर्नल होशियार सिंह जी ने माने पूरे देश के लिए जी बहुत बड़ा वो कराया है इन्होंने अपना कुर्बानी, और जी मोदी जी के ऊपर हम तो बहुत आभार व्यक्त करते हैं, इन्होंने देश के लिए बहुत बढ़िया वो कराया। ब्रिगेडियर कर्नल होशियार सिंह ने जी बहुत बड़ाई का काम कराया जी, इसने जी 1971 की लड़ाई अपने दम पर दिखाई जी, गोली लगने के बाद भी उसने उन्होंने ऐसी लड़ाई लड़ी जी जिससे उसने परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और देश का सम्मान भी हुआ और 21 द्वीप दिए गए हैं इनके नाम पर भी, एक द्वीप पर नाम टेका गया कर्नल होशियार सिंह के नाम पर। बहुत बहुत बधाई है जी गांव को भी। ये हमारे लिए, हमारे गांव और देश के लिए, सभी के लिए बड़े हर्ष की बात है कि इतनी बहादुरी जिन्होंने दिखाई उनको सरकार ने सम्मान दिया। ये पूरे गांव में बहुत खुशी का माहौल है कि हमारे वीरों को सम्मान दिया गया और 21 द्वीपों का नाम सभी परमवीर चक्र विजेताओं के नाम मिला, इसके लिए हमें बहुत खुशी है। देश को खास तौर से पाकिस्तान युद्ध में विजय दिलाने वाले को हमेशा देश याद करता रहेगा। राजेश खत्री, जी मीडिया, सोनीपत। और यहां ले रहे एक छोटा सा ब्रेक।